हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आर्ट ऑफ नोटिंग चैनल। मैं ट्यूटोरियल को जो शुरू करना चाह रही हूँ थोड़ा सा हिंदी में ट्रांसलेट इसलिए कर रही हूँ ताकि सब लोग बहुत अच्छे से इसको समझ सके और अपने अपने घर में बैठ के इसको ट्राई कर सके। हमारा फर्स्ट डे का आज ट्यूटोरियल है जिसके अंदर आप देख सकते हैं मैंने दो प्लांट हैंगर हैंग किए हैं और दोनों के डिज़ाइन डिफरेंट हैं बट कंसेप्ट इज सेम एंड टेक्निक इज ऑल्सो सेम। इस प्लांट हैंगर में यू कैन सी वी हैव डन दिस काइंड ऑफ नोटिंग, दिस इज कॉल्ड लार्क हेड नॉट। दिस नोटिंग इज डिफरेंट एंड द अदर डिजाइन ऑफ कंसेप्ट इज डिफरेंट। सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू फर्स्ट नॉट, दैट इज कॉल्ड लार्क हेड नॉट। एज यू कैन सी, आप देख सकते हैं मैंने इसमें ऑलरेडी लार्क हेड नॉट बनाने के लिए मैंने बेसिक अमाउंट की क्वांटिटी थ्रेड की ली है जिसके अंदर मैंने ये 1 मीटर थ्रेड लिया है। यू कैन ट्राई इन हाफ एन मीटर ऑल्सो। सो व्हाट यू कैन डू, आप इस नॉट को पीछे से लाके इस तरीके से लूप इसका बना सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो डू वन मोर टेक्निक, आप इसको पीछे ले जाके इसको डबल आपने किया है, डबल करने के बाद आप इस लूप को पीछे से ले जाइए और सीधा लार्क हेड नॉट बना दीजिए। आई थिंक इट्स इजी टू मेक, वी विल ट्राई वन मोर टाइम। आई हैव टेकन 1 मीटर कॉर्ड एंड इसको मैंने डबल कर दिया है। And you can do like this. It's very easy. हमारी लार्क हेड नॉट बनके तैयार है और इसको प्लांट हैंगर में ऐड करने के लिए जिस हिसाब से लिया जाता है उसके बाद फर्दर नॉटिंग स्टार्ट होती है हमारी। तो प्लीज ट्राई इट वंस एट योर होम एंड इन अवर नेक्स्ट ट्यूटोरियल आई विल टीच यू 2 डिफरेंट टाइप ऑफ नॉटिंग। फ्रेंड्स, हम लोगों ने फर्स्ट जो नॉटिंग सीखी थी वो सीखी थी लार्क हेड नॉट की। अब हम सेकेंड जो नॉटिंग सीखेंगे दैट इज कॉल्ड स्क्वायर नॉट। यू कैन सी वी हैव ऑलरेडी डन स्क्वायर नॉट इन दिस डिजाइन, इवन वी हैव डन स्क्वायर नॉट इन दिस डिजाइन। सो नाउ वी आर गोइंग टू टीच यू द स्क्वायर नॉट। सो आई होप यू ऑल आर रेडी। वी हैव टेकन द बेसिक अमाउंट ऑफ कॉर्ड फॉर द प्रैक्टिस। Again, I'm going to make one lark head knot for you. Because for square knot, ये आपको पहले बनाना ही पड़ेगा। Square knot बनाने के लिए आपको lark head knot बनानी पड़ेगी। एक स्क्वायर नॉट के एंगल को पूरा करने के लिए, एक डिजाइन को पूरा करने के लिए हमें 2 लार्क हेड नॉट की जरूरत पड़ती है जिसमें जो हैंगिंग कॉर्ड होती है वो 4 होती है। इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इसमें जो साइड वाली कॉर्ड है उसको हम लोगों ने सेंटर की 2 कॉर्ड से ऊपर को ले जाना है और जो इस साइड की कॉर्ड है उसको हमें इस तरीके से बैक से लेते हुए फ्रंट में लाना है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, वी आर ट्राइंग अगेन। आपको जो साइड की नॉट है उसको सेंटर की 2 नॉट के ऊपर से ले जाना है और जो आपके इस साइड की नॉट है उसको आपने बैक साइड से ले जाते हुए फ्रंट में लाना है। ये आपकी, उसके बाद आपको इसे टाइट करना है। आपको इस कॉर्ड को, इवन दिस वन एंड द सेंटर टू वन टू बी मोर सिक्योर, आपको इनको ज़्यादा टाइट करना है ताकि वो प्रॉपर से शेप ले सके। अभी जो मैंने नॉट किया था ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने किस एंगल से इस नॉट को स्टार्ट किया था। अगर आपने इस साइड से नॉट को ऊपर रख के स्टार्ट किया है तो आपको नेक्स्ट जो स्टार्टिंग करनी है वो उसका ऑपोजिट होगा यानी दिस साइड। नाउ वी हैव टू डू
द अदर पार्ट ऑफ कोट, उसको आपने इस तरीके से ऊपर रखना है, इसको यहाँ से ले जाके फिर पीछे से लाते हुए फ्रंट में ले जाना है और सब नॉट को प्रॉपर वे में टाइट करना है। ये आपका एक सेट नॉटिंग का कंप्लीट हो गया। अगेन वी आर डूइंग, वी आर टेकिंग दिस कॉर्ड इन फ्रंट ऑफ दिस टू सेंटर वन एंड दिस अदर वन, इसको आपने पीछे से ले जाके आगे लाना है एंड कीप सब कॉर्ड्स को आपने इक्वली टाइट करते हुए ऊपर ले जाना है। अब हम फिर से इसके ऑपोजिट हिस्से को लेंगे, ये हमारी टू स्क्वायर नॉट बनके तैयार है। अगेन वी आर डूइंग द सेम, दिस वन इज थ्री सेट। अगेन we are keeping in front, this one in back and like this, and this one to be in front you can see the square knot like this, the same as the same you can see in this design as well, and the same knotting you can see in this design as well. So आपको basic knots का पता होना और पूरी तरह से बनाना आना बहुत ज़रूरी है, और इसको tightness करनी और shape में देना, जितना अच्छा आप tight और shape देंगे उतना अच्छा ही आपके any किसी भी type के product को जो आप macrame के बनाते हैं एक अच्छी look आनी बहुत ज़रूरी है। Next हम लोग सीखेंगे इसकी अलग knotting, जिसको कहते हैं हम लोग स्पाइरल नॉट। ओके फ्रेंड्स, हम लोगों ने सबसे पहली नॉट जो सीखी थी वो थी लार्क हेड नॉट, जो आप देख सकते हैं विच इज़ वेरी इजी टू मेक। देन सेकंड वी हैव लर्नड स्क्वायर नॉट एंड नाउ वी आर गोइंग टू टीच यू द स्पाइरल नॉट। स्पाइरल नॉट यू कैन सी वी कैन ऐड दिस इन एनी वेयर एल्स इन प्लांट हैंगर। तो अब मैं आपको स्पाइरल नॉट बनाना सिखाऊंगी, जिसके लिए हमें फिर से लार्क हेड नॉट ही बनानी पड़ेगी जो मैंने आपको फर्स्ट ट्यूटोरियल में सिखाई है। स्क्वायर नॉट और स्पाइरल नॉट के लिए हमेशा हमें लार्क हेड नॉट तैयार करनी होती है। आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में भी नॉटिंग तैयार की थी। स्पाइरल के अंदर एक खास बात यह है कि आपको एक ही डायरेक्शन में मूव करना है, यानी आपको या तो इस तरीके से या इसको आगे लेके आना है या फिर आपको इस कॉर्ड को आगे लाना पड़ेगा। अगर आप इस कॉर्ड को आगे लाके अपने नॉटिंग को शुरू कर रहे हैं तो आपको इसी डायरेक्शन को कंटिन्यू चलाना है, यानी वन वे ओनली। And please keep secure and tight your knotting as much as जितना टाइट उसको रखेंगे वो उतनी ही सफाई से होगा। आप देख रहे हैं मैं इसको एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हूँ नॉटिंग को, तो ये अपने आप स्पाइरल हो रही है।
बहुत इजी है बनाना, जो आगे के आपके प्लांट हैंगर्स बनाने में या वॉल हैंगिंग कहीं पर भी आप इन नॉटिंग्स को यूज़ करना चाहते हो बहुत इजी रहेगा आपके लिए। पर इसको जितना टाइट आप रखेंगे और जितनी सफाई से बनाएंगे उतना ही डिज़ाइन बहुत साफ आएगा। आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, कुछ भी इन नॉटिंग से के लिए मुझसे पूछना हो, आप कमेंट्स कर सकते हैं तो मैं आपको क्लियर कर दूंगी। आई थिंक इट्स वेरी इजी। वी हैव लर्न द स्पाइरल नॉटिंग, वी हैव लर्न द स्क्वायर नॉट, वी हैव लर्न द लार्क हेड नॉट, देन वी आर गोइंग टू टीच यू हाउ यू कैन मेक अ लूप नॉट।